हैदराबाद का भव्य माहौल बना हुआ है, भावनात्मक माहौल बना है। तेलंगाना की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से अपार प्रेम करती है। उनके मन में बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, इसलिए उनके उत्साह को हर कार्यक्रम में हमने संयोजने का, जोड़ने का प्रयास किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ इस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, बहन निर्मला सीतारमण जी, जयशंकर जी सहित कई बड़े बड़े नेता मंत्री इस बैठक में पूरा समय रहेंगे। लगभग भाजपा के सभी प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम, वो भी इस बैठक में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा संगम भारत के दक्षिण छोर पर तेलंगाना की धरती पर हो रहा है। मैंने आपके पास सारी विस्तृत जानकारी रखी है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, आपका आशीर्वाद भी मिले, हमारी इस 3 दिन की कार्यसमिति का आयोजन सफल हो, उसके लिए मैं आप सबका भी आशीर्वाद, साधुवाद, सहयोग चाहता हूं। और मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूं कि हमारी केंद्र की मीडिया टोली आपको हर प्रस्ताव के बाद, बैठक की हर सत्र के बाद यहां मीडिया ब्रीफिंग होगी, और उस मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से हम सब लोग आपको बार बार विषयों की जानकारी देते रहेंगे। आपको एक बार फोटो का भी मौका मिलेगा, आप सबको वहां ले जाकर फोटो भी कराई जाएगी। कोई आपके मन में कोई बात है इसके बारे में पूछने के लिए तो बताइए। अच्छा, एक मैं आपसे, क्योंकि कई दिल्ली से पत्रकार भी आए हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ चेहरे में यहां देख रहा हूं, हमने एक काउंटडाउन शुरू किया था कि टीआरएस की सरकार जा रही है और तेलंगाना में भाजपा की सरकार आ रही है, और भाजपा के कार्यालयों के बाहर हमने बड़ी बड़ी वॉच लगाई, जिसके अंदर आज इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट उसमें प्रदर्शित हो रहे हैं, हर एक सेकंड का काउंटडाउन चल रहा है। आज केसीआर नेतृत्व की तेलंगाना टीआरएस की सरकार के जाने को 522 दिन बचे हैं। जब ये कार्यसमिति और विजय संकल्प सभा होगी, जिसमें भाजपा के 35,000 बूथों की टोलियां संकल्प लेंगी प्रधानमंत्री जी के सामने, उस विजय संकल्प सभा में जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, तो उसके पूरे 520 दिन बाद तेलंगाना के अंदर वंशवादी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी नेतृत्व से छुटकारा मिलेगा, और गरीबों के लिए काम करने वाली, बंगारू तेलंगाना का सपने को पूरा करने वाली, श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली भाजपा की सरकार बनेगी। 522 दिन बाद, तो इसलिए आज 522 दिन रह गए हैं। बाय बाय केसीआर, 522 डेज बैलेंस, इसका भी आप प्रदर्शन हमारे पार्टी कार्यालय में जाकर देख सकते हैं। आपके मन में कोई विषय हो, वैसे तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। हाँ बहन बोलिए। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की फॉर्मर
बहन आज इस कार्य समिति का विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर आप पार्टी को ये मैं ठीक है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप डिल्यूट मत करिए कार्य समिति पर। हाँ बहन बोलिए। काउंटर नहीं हाँ बिल्कुल, आपको लिस्ट हमारी मीडिया टीम आपको पूरा कार्यक्रम कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है और कौन सा स्थान रहेगा और लोकल कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा, हमारे यहाँ के प्रवक्ता और मीडिया टीम आपको सुभाष जी इसको आप सबको पीडीएफ आज मिल जाएगा। सभी समाजों को मौका दिया है स्वागत करने का, सभी की ओर से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी और तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तत्पर है। हम आशीर्वाद लेने के लिए 119 विधानसभा में भी जा रहे हैं, हम आशीर्वाद लेने के लिए समाजों की बैठकों में भी जा रहे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए घर घर भी जा रहे हैं। और उस आशीर्वाद का एक चित्रण दिख रहा है कि जिस तरह दुबाका का धमाका हुआ और दुबाका के चुनाव के जीतने के बाद हमने ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव में अच्छी प्रदर्शन किया और उसके बाद हजूराबाद में भाजपा की विजय हुई और यहां के हजूर जो कभी मंत्रालय नहीं जाते उनके बारे में कई किस्से यहां पर चलते हैं, वो हजूराबाद के चुनाव में हजूर की अहंकार को भी जनता ने चोट दी और भाजपा को आशीर्वाद दिया। हमारी प्रजा संग्राम यात्रा चल रही है, 200 दिन की यात्रा है, उसके दो पड़ाव पूरे हुए हैं। 71 डेज पैदल चलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद यात्रा करते हुए गांव गांव जा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जन समर्थन जन आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये उसी कड़ी में 119 विधानसभाओं का जन आशीर्वाद लेने के लिए जनता से और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हमारे नेता गए हैं, ये उसी पड़ाव का हिस्सा है। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा